जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 11th में जो हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चित्रा प्रकाशन यानी एक्टिव टीएम के बुक से पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें इसके राइटर अजय कुमार अग्रवाल जी है। इसमें हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, टॉपिक बाई टॉपिक क्लियरली हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहा था, खैर से 11 पॉइंट को प्रोवाइड करवा दीजिए, 11.5 को प्रोवाइड करवा दीजिए, तो 11 पॉइंट को जरूर जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए, हर एक एक्सरसाइज को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसमें भी दोस्तों जो कुछ फार्मूलेज वगैरह हम लोग प्रयोग करेंगे, वो हम लोग क्वेश्चन भी हम लोग करते जाएंगे, फार्मूला को उसके साथ साथ बताते जाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जी आप साइट पर फार्मूले लिख देते हो, फिर उसका प्रयोग कम समझ में आता है, आप क्या फार्मूला बताते हो। आप क्वेश्चन बताइए और उसके बाद उसी क्वेश्चन में जो यूज फार्मूले है उसको बताइए। चलो ऐसा ही करते हैं, जो हिसाब आप लोगों की इच्छा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बस तो कुछ परवलय के कुछ हम लोग आज परवलय के बारे में पढ़ेंगे। परवलय तो परवलय का समीकरण, परवलय के वैसे परवलय के चार समीकरण है, ठीक है। नंबर एक आप लोगों का होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जिसमें कि आपका ग्राफ आप लोग इस प्रकार से बनाओगे, ये x अक्ष के लिए है। तो इसका x अक्ष आप लोगों को पता है ना कि ये x अक्ष है और ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। इसके लिए ग्राफ आप लोगों को ऐसे बनाओगे। यहाँ पे कई बार नियता नियता चिल्लाए जाएंगे, तो ये आपके पास इसका ये नियत बिंदु है और ये इस पर डाला गया लंब, ये नियता पर डाला गया लंब है, ठीक है। सीधी रेखा डाल देना और टेढ़ी रेखा हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सीधी रेखा डाल देना तभी है। यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे नियता पर डाला गया लंब, यहाँ पर P से दर्शाएंगे, यहाँ पर Q से दर्शाएंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लेंगे x y अगर आवश्यकता हुआ, और अगर दो दो बिंदु चाहिए तो उसको x1 y1, इसको x2 y2 के रूप में ले लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नाभि कहेंगे, ये नाभि है, ये है नाभि, नियता बताया था हमने, ये है नाभि और ये है नाभि लंब, ठीक। और ये है शीर्ष, यही तो है शीर्ष, शीर्ष होता है 0.0। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर हमने आपको नियता बताया था, नियता नहीं नाभि है ये नाभि, तो ये नाभि और ये नाभि पर डाला गया लंब, इसको हम लोग कहेंगे नाभि लंब। और नाभि लंब में अगर बिंदु चाहिए तो हम लोग ये बिंदु ले लेंगे, इसकी शीर्ष, ये नाभि लंब का शीर्ष, ये नाभि लंब का शीर्ष, ये आपका परवलय का शीर्ष, ठीक। इसके बाद दूसरा अगर हम लोग वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax लेंगे, यहाँ पर x माइनस में है, उस स्थिति में ग्राफ को आप लोग ऐसे इधर की ओर घुमाओगे, क्योंकि तो x का माइनस का मान इधर की ओर होता है, जहाँ ये आपके पास नाभि है और ये डाला गया लंब नाभि लंब, ये परवलय का शीर्ष 0.0, ये नाभि का शीर्ष PQ, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये नाभि है s, ठीक। अगर दूसरा आपके पास ये समीकरण होता, तीसरा कि x स्क्वायर बराबर 4ay, इसका मतलब है परवलय ये y अक्ष पर है, तो इसके कारण इसको i से ऊपर की ओर बनाओगे, ठीक है। और x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay आ जाए तो इसको नीचे की तरफ बनाओगे। सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं आप लोग, बाद में क्वेश्चन करेंगे और यूज करते जाएंगे, इसका प्रयोग करते करते जाएंगे, ठीक। तो ये ग्राफ, चार ग्राफ को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग जब 12th में आओगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में आपको बहुत ही लाभदायक होगा। मतलब इसके लिए जब भी हम अवकल समीकरण पढ़ेंगे आप लोगों का, तो अवकल समीकरण में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है इंटर में, ठीक है। इसलिए देखो, तो आपके पास 11.5 आपको स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है वो सुनिए। पहला क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि नाभि दिया गया है, नाभि दिया गया है 6.0, नाभि दिया गया है 6.0। इसके बाद नियता है यक्स बराबर 0, नियता यक्स बराबर क्या है 0, नियता क्या है यक्स 0। परवलय का समीकरण ज्ञात करना है आपको, तो पहले का पहला है परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। अब एक चीज का आप लोगों को यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नाभि वैसे हमारे पास क्या होता है, नाभि होता है ये x अक्ष है, यहाँ पर ये 0 है ना, तो मतलब ये कौन सा अक्ष पर है, ये x अक्ष पर है, क्योंकि x का मान दिया गया है, y का मान नहीं दिया गया है, तो ये x अक्ष पर है। तो समझना, नाभि होता है आपके पास 1.0, नाभि क्या होता है आपके पास 1.0। उस कंडीशन में a बराबर आपके पास क्या हो गया 6, तुलना कर लो, a बराबर क्या हो गया आपके पास
छः, ठीक है। इसके बाद नियता का समीकरण हमारे पास ये दिया गया है x। अब जब कभी भी परवलय का समीकरण निकालोगे, अगर बिंदु दिया जाए और समीकरण दिया जाए, तो हमेशा हम लोग लंब की लंबाई और लंब की दूरी ज्ञात करते हैं। दूरी हम लोग पीछे पड़ चुके हैं ना, p बराबर c बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वही तो हम लोग कहेंगे नाभि से दूरी। परवलय का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो परवलय का समीकरण ये होता है नाभि से दूरी, ये किसके बराबर करेंगे हम लोग, ये नियता से डाले गए लंब की लंबाई, ठीक। नाभि से दूरी के लिए आप लोग जानते हो ना, दूरी नाभि से दूरी का फार्मूला क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर, ये लाले के लंब की लंबाई, तो ax प्लस by प्लस c बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो होता ना डाले के लंब की लंबाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, x की जगह x लिखो, a की जगह आप लोग 6 लिखो, प्लस y की जगह y लिखो, b की जगह है नहीं मान 0 लिखो, ax तो यहाँ पर केवल सभी का मान x ही है, देखो सभी का मान x ही है ना, तो यहाँ पर केवल x लोगे बटे अंडर रूट में x, इसका गुणांक लेते हैं, यहाँ पर मान दिया जैसे x प्लस y प्लस 5 मान लो, ऐसे कुछ मान दिया जाए, तो वही मान नीचे इसका गुणांक का वर्ग, इसका गुणांक का वर्ग लिखते हैं, ठीक। ऐसे तो x का गुणांक का वर्ग हो गया 1, तो 1 का वर्ग। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोलो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 या भी 6 दूनी 12 x, प्लस का ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, ये हो गया x बटे 1 का वर्ग, तो 1 ही होता है, तो 1। जब कभी भी अंडर रूट हो तो अंडर रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर दोनों पक्षों में कर देंगे वर्ग, वर्ग ऐसे बड़े आराम से काटेंगे, इसको काटने में शर्म नहीं आनी चाहिए, बड़े आराम से इसका पोस्टमार्टम कर दो। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 x प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, इसको भी बड़े प्रेम से काट दो, इसको बराबर को उधर दोनों चीज बराबर होनी चाहिए ना। यहां पर आप लोग करोगे क्या, y स्क्वायर माइनस 12 x और ये प्लस 36 बराबर 0, क्या हो जाएगा y स्क्वायर, इन दोनों को उठाकर पटको उधर, कैसे ऐसे y स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 12 x प्लस में 36 माइनस में, इसमें ले लो 4 कॉमन, ओनली 4 कॉमन, बस मात्र 4 कॉमन ले लोगे, और ना ले लो तो मत लो, अगर आपकी इच्छा नहीं है ना तो मत लो। ये किसका रूप आ गया, ये रूप आ गया वाई स्क्वायर 4ax, तो इसके लिए ग्राफ आप लोग कैसे बनाओगे, ग्राफ बनाओगे वाई स्क्वायर 4ax, तो ग्राफ बनाओगे इस प्रकार से, ये ग्राफ बनाओगे, ठीक। नाभि यहाँ पर यश का मान क्या दिखाओगे, 6,0, नियता का जो समीकरण है वो दिखाओगे आप लोग x बराबर 0, नियता का समीकरण शीर्ष तो इसमें है ही नहीं, शीर्ष हो गया 0,0, ठीक है। अब देखो इसका बी पार्ट देखो, ये था आपका ए पार्ट, इसका बी पार्ट में आपके पास ये है 0,4 और क्या दिया गया है वाई प्लस 4, ये आपके पास नाभि है और नियता आपके पास है वाई प्लस 4, नियता क्या दिया गया है वाई प्लस 4, सेम। इसमें नाभि हम लोग कौन सा लेंगे, नाभि 0,b। अब नाभि के बारे में आपको बता देते हैं, 1,0 एक नाभि होता है, माइनस 1,0 एक नाभि, 0,b दूसरी नाभि, 0,-b दूसरी नाभि, ठीक, मतलब 4 नाभि है।
यहाँ पर बी का मान क्या है, बी का मान आपके पास चार है। सेम परवलय का समीकरण लिखना यहाँ पर, नाभि से दूरी लिखना यहाँ पर, बराबर नेत्र जाल के लंब की लंबाई लिखना यहाँ पर, ये फार्मूला लिखना यहाँ पर, ये फार्मूला लिखना यहाँ पर, और मान को रखना हम कर रहे हैं। इतना काम आपको करना है, मान हम रख रहे हैं। देखो अंडर रूट एक्स माइनस ए नहीं है जीरो, प्लस वाई माइनस बी है हमारे पास चार का वर्ग बराबर, यहाँ पर जो भी समीकरण दिया जाएगा ना वही लिखोगे ना, है ना, बटे दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ए का एक्स का स्क्वायर नहीं है, वाई का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बोथ साइड स्क्वायर हटाने के लिए बड़े आराम से कैंसिल, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, खोलो बड़े प्रेम से खोलना इसको, तो वाई स्क्वायर प्लस चार चौको सोलह माइनस आठ वाई बराबर, इसका भी होल स्क्वायर खोल दो, इसमें शर्म मानने की बात है, खोल दो ना होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का टू ए बी, आया मजा होल स्क्वायर खोलने में। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, सोलह से सोलह भी कैंसिल, ये नहीं कैंसिल, इसको उठाकर पटको उधर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आठ वाई प्लस आठ वाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा सोलह वाई। ये किसका रूप आ गया है, ये रूप आ गया है एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई का, तो इसका ग्राफ बनाओगे इस प्रकार से, इसका ग्राफ बनाओगे, ये इसकी नाभि, नाभि है आपके पास जीरो कमा चार, ये आपके पास परवलय का शीर्ष जीरो कमा जीरो, और नियता का जो समीकरण आया है, नियता का समीकरण आया है वाई प्लस चार, नियता का समीकरण क्या आ गया, चाहे इसे दिखा दो यार, दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आ गया वाई प्लस चार, ये नियता का समीकरण, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना पसंद करोगे ना तो ले लो, शॉर्ट प्रॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन कर देखो जरा इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, हाँ नेक्स्ट पार्ट भी देखो, सी पार्ट लगा लोगे, माय ओफ सी पार्ट लगा लोगे, डी पार्ट देखो, डी पार्ट सी पार्ट छोटा लगा लोगे आप लोग, डी पार्ट, फिर ये है दो कमा तीन, नाभि है दो कमा तीन, इसके बाद नियता का समीकरण, नियता का समीकरण ये आपके पास दिया गया है एक्स माइनस चार वाई, एक्स माइनस चार वाई प्लस तीन बराबर जीरो, प्लस तीन बराबर जीरो है। देखो किसमें ये हमारे पास ए है, ये बी है, वही सब कुछ लिखना है ना, अंडर रूट लगाते हैं बड़े आराम से, एक्स माइनस दो का वर्ग लिखते हैं प्लस वाई माइनस तीन का वर्ग लिखते हैं, एक्स माइनस चार वाई प्लस तीन लिखते हैं, अंडर रूट में इसका गुणांक का वर्ग लिखते हैं प्लस इसके गुणांक इसका वर्ग लिखते हैं, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस तीन दूनी छः वाई बराबर, ये हो जाएगा एक्स माइनस चार वाई प्लस तीन बटे, ये हो जाएगा आपके पास एक का वर्ग एक, चार का वर्ग सोलह, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर क्यों करेंगे क्योंकि रूट को हटाने के लिए, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का यहाँ पर ये है, रुक जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पर एक्स है, ठीक, तो ये हो गया माइनस का फोर एक्स और माइनस का सिक्स वाई, चार नौ हो गया तेरह बराबर, ये इसका होल स्क्वायर खोलो, खोलना आता है ना, कौन से फार्मूले से खोलोगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, इस फार्मूले से खोलोगे इसका होल स्क्वायर, देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस चार का वर्ग सोलह वाई स्क्वायर प्लस तीन का वर्ग नौ, इन दोनों गुणा करोगे तो चार दुनी आठ एक्स वाई, इन दोनों गुणा करोगे तो माइनस का चार तिया बारह दुनी चौबीस वाई, और इन दोनों गुणा करोगे तीन दुनी छः एक्स, ठीक है ना, प्लस माइनस ख्याल रखना, इन दोनों गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, बस
बटे 17, 17 बटे में है इससे गुणा पहुंच जाएगा, ठीक है ना। 17 का अंदर गुणा कर दो, इसको उठाकर सर इधर पक्षांतर करके लाओ तो हो जाएगा 17 एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये 17 वाई स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का 16 वाई स्क्वायर, ये 17 चौको 68, 68 एक्स, ये एक्स वाई है ना, ये माइनस का 6 एक्स, ठीक। 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 एक्स, अरे एक्स नहीं है वाई, 102 वाई इधर प्लस का 24 वाई, ये हो जाएगा 17 का गुणा 13 करो, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51 बचा 5, 17 5 22 माइनस 9, कुछ छोटा तो नहीं, माइनस प्लस प्लस 8 एक्स वाई, और कुछ छोटा तो नहीं, घटाना करो अब, ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर, ये घटेगा तो प्लस का वाई स्क्वायर, और ये दोनों जुड़ेगा तो माइनस, 8 6 14 बचा 1, 7 74 एक्स, और माइनस ये दोनों घटेगा, यहाँ से एक ले लो 12, 12 से बचा 8, और यहाँ बचा 9, 9 से बचा 7 वाई, ये दोनों घटेगा तो प्लस की संख्या, तो यहाँ से एक 11 से 2, यहाँ पर बचा 1 212, और प्लस का 8 एक्स वाई, चलो वैसे 8 एक्स वाई यहाँ बीच में होना चाहिए, चला चलो इसको यहाँ लिखो, प्लस का 8 एक्स वाई और प्लस का 212, ठीक है, प्लस से क्या बचेगा 212, इसी को दोस्तों जो है हम लोग किसके रूप में, आंसर के रूप में आप बताने वाले क्या चीज़ है भैया, यही आंसर के रूप में, एक चीज़ छूट रहा है, मजाक मत समझना, क्या छूट रहा है, बराबर 0 लिखना ना भूलना, है कि नहीं, मजा आएगा गणित में, पढ़ते रहो मजा आ जाता है आपको, जब क्लास 12th में भी आप लोग इसी बुक से अध्ययन करना, मजा आता जाएगा, पूरा पूरा बोर्ड आपका इसी से फंसेगा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे पर जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, दूसरे का ए, दूसरे का ए आपके पास है, ज्ञात कीजिए कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 12x, वाई स्क्वायर बराबर 12x, ठीक, कि किस बिंदु पर कोटि भुज की तीन गुनी है, कोटि भुज की तीन गुनी है ना, एक चीज का ये ध्यान रखना है कि x इसे कहते हैं भुज, और जो y है इसे कहते हैं कोटि, x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि, समझ में आया ना, x को कहते हैं भुज, y को कहते हैं कोटि, इसमें क्या कह रहा था, कोटि भुज की तीन गुनी है, कोटि नहीं यहाँ यही तो है, कोटि भुज की तीन गुनी है, कोटि, कोटि क्या है y, भुज क्या है x, तो कोटि भुज की तीन गुनी है, इसको डाल दो समीकरण एक, इसका मैं उठा के पटको यहाँ पर है, तो तीन, ये तीन y का वर्ग है, मतलब तीन का वर्ग है, तो 9x स्क्वायर बराबर 12x, एक एक्स एक 12x को इधर पक्षांतर करो, इसमें ले लो कॉमन 3x, तो 3 त्रिका 9 माइनस 3 चौको 12 बराबर 0, 3x बराबर 0 एक बार, तो 3x बराबर 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा, अब ये 3x माइनस 4 बराबर 0, उसको उधर पर छंदा करो, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4 बटे 3, अब इसको मान, इसको कर लो समीकरण 2, इसको कर लो समीकरण 1, क्या एक काम करो, इसमें ना रखो, इसमें रखो समीकरण 1 ही में रखो इसमें, तो समीकरण 1 में x का मान रख दो, तो y 3 4 बटे 3 कैंसिल, तो y बराबर 4, बिंदु क्या आ गया 4 बटे 3 कॉमा 4 आंसर है ना, मजा आंसर। देखो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, सवाल नंबर तीन में कह रहा है कि वाई स्क्वायर बराबर 16x, इसके ऊपर भी कह रहा है निम्नलिखित परवलयों की नाभियों के निर्देशांक नियताओं के समीकरण
अक्षों के समीकरण तथा नाभिलंब की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरे का ए, वाई स्क्वायर बराबर 16 एक्स। ए तो दिया गया हमारे पास, क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर बराबर 16 एक्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसको ऐसे बनाओ, वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 एक्स। तो ये हमारे पास, इसको कंपेयर करेंगे परवलय के समीकरण से वाई स्क्वायर बराबर 4 ए एक्स से, इसको तुलना करेंगे हम लोग। हाँ, जब तुलना करेंगे तो a बराबर हमारे पास कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो a बराबर 4, तो नाभि क्या होता है, नाभि होता है a कॉमा 0 अर्थात 4 कॉमा 0 आंसर। नाभि क्या होता है, a कॉमा 0 आंसर हो गया। नियता का समीकरण क्या होता है, नियता का समीकरण x बराबर प्लस का a, तो x बराबर ये हो जाएगा, एक मान है प्लस का 4, इधर उसको छंद करके ले आओ, तो माइनस 4 बराबर 0, ये भी आंसर और ये भी आंसर, ये दोनों इसके हो गए आंसर। और क्या पूछा, और इन्होंने पूछा अक्षों का समीकरण, तो कौन सा अक्ष पर है दो अक्षों का समीकरण, अक्षों का समीकरण कौन सा अक्ष पर है, तो ये x अक्ष पर है, x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0, तो कौन सा अक्ष पर है, x अक्ष पर है, तो y का मान 0। नाभिलंब की लंबाई देखो, नाभिलंब की लंबाई पूछ रहा है, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई होता है 4a, ठीक है, सूत्र है, तो 4 इंटू 4 अर्थात 16 आया, मजा आया, मजा शॉर्ट कर लो, शॉर्ट आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी पार्ट, देखो तीसरे का बी पार्ट, देखो तीसरे का बी पार्ट, तीसरे का बी पार्ट में हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 12 वाई, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 12 वाई, इसको तुलना करोगे आप लोग एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 ए वाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको बना लो ना, माइनस 4 इंटू 3 वाई, तो ए बराबर 3 हो गया, तो ए बराबर 3, ए बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो नाभि, नाभि, नाभि क्या होता है, कौन सा अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, कौन सा अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, तो 0 कॉमा माइनस बी हो जाएगा इसका, क्योंकि माइनस है ना ये, देखो तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस 3, ये नाभि, नाभि क्या हो गई, 0 कॉमा माइनस 3। इसके बाद हमसे पूछा है नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, अब नियता का समीकरण कहाँ तक याद रखे, कैसे याद रखे, तो कौन से अक्ष पर है, ये वाई अक्ष पर है, बस ये याद रख लो, कौन से अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर ये वाई बराबर, अगर आपके पास यहाँ पर माइनस है ना, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का बी लोगे, क्या लोगे, प्लस का बी लोगे, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बराबर आपके पास बी का मान, आपके पास रख दो बी का मान क्या है, 3 है, बी का मान क्या है, 3 है, इसको इधर पचहत्तर, प्लस में लोगे माइनस में नहीं, प्लस में लोगे, प्लस में लोगे, इधर पचहत्तर पचहत्तर करके ले आओ, तो माइनस 3 बराबर 0 आंसर। अक्ष का समीकरण कौन से अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है ना, तो x बराबर 0, एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0, वाई अक्ष पर एक्स बराबर 0। अच्छा नाभिलंब बाकी है अभी, नाभिलंब, अच्छा नाभिलंब की लंबाई क्या होता है, 4a, नाभिलंब की लंबाई क्या होता है, 4a, तो 4 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 तिया 12 क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है नाभिलंब की लंबाई सब में बराबर है, चार में कह रहा है
परवलय वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, परवलय वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, ठीक। बिंदु तीन कमा माइनस दो से होकर जाता है, बिंदु तीन कमा माइनस दो से होकर जाता है, ये एक्स और ये वाई होकर जाता है। इसके बाद परवलय के नाभिलंब की लंबाई तथा नाभि के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, नाभिलंब की लंबाई और नाभि की निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले ए ज्ञात कर लो, वाई की जगह लिखो दो, दो का वर्ग बराबर चार ए इंटू एक्स की जगह तीन, दो का वर्ग हो गया चार बराबर चार ए इंटू तीन, इससे ये कैंसिल तो बचा यहाँ पर एक, तो ए बराबर एक बटे तीन। तो नाभि क्या है, नाभि आपको जानते हो ए कॉमा जीरो अर्थात एक बटे तीन कॉमा जीरो, और नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई क्या था फॉर्मूला फोर ए अर्थात चार इंटू एक बटे तीन बराबर चार बटे तीन, दोनों आंसर, ठीक है ना। देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का बी, चौथे का बी बी पार्ट देखो, बी पार्ट कर लोगे क्या आप लोग, नहीं कर पाओगे ना, देखो हम कर देते आपको चौथे का बी। चौथे का बी पार्ट में ये कह रहा है कि परवलय परवलय वाई स्क्वायर बराबर आठ एक्स, परवलय वाई स्क्वायर बराबर आठ एक्स, ठीक है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर आठ एक्स के नाभिलंब के निचले सिरे का परवलय के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले बात तो यहाँ पर परवलय वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स का रूप बना लो, तो हमारे पास a बराबर इसको लिख सकते हो चार इंटू दो इंटू एक्स, तो a बराबर आपके पास हो गया दो, तो a बराबर आपके पास क्या आ गया दो। शीर्ष क्या होता है आप लोग पता है कि परवलय का जो शीर्ष होता है ये होता है जीरो कमा जीरो, परवलय का शीर्ष क्या होता है जीरो कमा जीरो। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना कि परवलय, इस परवलय का अगर निर्माण करें हम लोग, इस परवलय को बना दें, तो परवलय को हम लोग यक्ष अक्ष पर है इस प्रकार से बनाएंगे ना, इस प्रकार से बनाएंगे ना, ये नाभि और ये नाभिलंब, ये हो गया P, ये हो गया Q, यहाँ पर बिंदु हमारे पास, यहाँ पर बिंदु हमारे पास, यहाँ का बिंदु हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो कमा जीरो हो गया, दो कमा जीरो क्यों, एक कमान दो है तो नाभि होता है एक कमा जीरो, तो दो कमा जीरो हो गया। यहाँ का बिंदु अब लोग क्या लोगे, अब ध्यान देना कि यहाँ का बिंदु जो है, यहाँ का बिंदु और यहाँ का बिंदु, यहाँ का बिंदु होता है ए कॉमा टू ए, ध्यान रखना नाभिलंब की जो शीर्ष लंब की जो बिंदु होती है ए कॉमा टू ए, और निचले सिरों में ए कॉमा माइनस टू ए, क्या होती है ए कॉमा माइनस टू ए। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इन्होंने कहा था कि देखो इन्होंने खुद कहा है, हम कुछ नहीं कर रहे भाई, इन्होंने कहा है कि निचले सिरों के परवलय के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा का समीकरण, निचले सिरे से लेंगे हम लोग, शीर्ष क्या है जीरो कमा जीरो, निचले सिरे ए कमा माइनस दो ए, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, रेखा का समीकरण निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण ये होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और x माइनस x1, तो y माइनस y1 की जगह हम लोग लेंगे 0 और y2 की जगह लेंगे माइनस 2a, माइनस y1 की जगह हो जाएगा 0, x2 की जगह ले लेंगे a माइनस 0 और x माइनस जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा आपको पता है a से a कैंसिल, जीरो का मतलब कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का दो और ये हो जाएगा x, इधर पक्षांतर लिया तो प्लस में हो जाएगा, तो y प्लस दो एक्स बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा आंसर रेखा का समीकरण y प्लस दो एक्स बराबर जीरो। देखो चौथे का सी पार्ट,
चौथे का सी पार्ट, चौथे का सी पार्ट में ये है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax ये दिया गया है, ठीक है। तो उन्होंने और कहा है कि शीर्ष एवं परवलय, शीर्ष एवं परवलय पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि रेखा खंड x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, x अक्ष के साथ क्या बनाता है, थीटा। देखो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि शीर्ष क्या होता है परवलय का, शीर्ष होता है 0,0, परवलय का शीर्ष क्या होता है 0,0। अब एक चीज का ध्यान रखना, प्रवणता आप लोग जानते हो ना, प्रवणता, प्रवणता m बराबर क्या होता है y माइनस y का गुणांक बटे x का गुणांक, क्या होता है y का गुणांक बटे x का गुणांक। ये होता है प्रवणता m बराबर, m बराबर आपके पास क्या होता है आप लोग जानते हो, m बराबर क्या होता है y का गुणांक बटे x का गुणांक, ठीक। यहां पर देखो प्रवर्तक को यम से लिखेंगे, y का गुणांक बटे x का गुणांक यानी y बटे x होता है ये ले लेंगे। हम लोग जानते हैं यम बराबर क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या लेंगे y बटे x ले लेंगे। tan थीटा बराबर m बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं y बटे x। अगर y का मान निकालना चाहे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में बटे में गुणा हो जाएगा x tan थीटा, क्या जाएगा x tan थीटा। अब हमारे पास आप लोग जानते हो y स्क्वायर बराबर 4ax दिया है, y स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है 4ax, तो इसमें मान रखेंगे इस मान को। तो देखो इसको हम लोग इसको कर देते समीकरण एक, और इसको समीकरण एक में रख देंगे, मतलब y के जगह रखेंगे x tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4ax, ये हो जाएगा x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर 4ax, x से एक x कैंसिल कर दो, इसको इसके बटे में पहुंचा दो, x बराबर 4a बटे tan स्क्वायर थीटा, 1 बटे tan स्क्वायर थीटा होता है cot स्क्वायर थीटा, तो जगह 4a cot स्क्वायर थीटा। ये किसका मान निकाल लिया हम लोगों ने, x का मान निकाल लिया, ठीक। अब इस x का मान समीकरण एक में रख दो, इस x का मान जो है समीकरण एक में रख दो, या एक काम करो एक में ना रख कर इसको कर लो, इसको समीकरण दो कर लो, समीकरण दो में रख दो तो y का मान निकल जाए, तो इसको रख देंगे समीकरण हम लोग कहां पर दो में, तो मतलब y बराबर x, x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4a cot स्क्वायर थीटा, 4a cot स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, cot स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा ना लिखकर एक काम करो 4a बटे tan स्क्वायर थीटा लिखो, एक घात से ये कैंसिल, तो y बराबर 4a cot थीटा, क्योंकि एक बटे tan थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, एक बटे tan थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। अब दोस्तों हमारे पास बिंदु क्या बना, बिंदु बना हमारे पास बस पास 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 ये 4a cot स्क्वायर थीटा और 4a cot थीटा। अब बिंदु के बाद आपको एक काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे सॉल्व करेंगे। लोगों ने दो बिंदु कौन कौन से प्राप्त किए थे, एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ था 4a cot स्क्वायर थीटा, एक 4a cot थीटा, और शीर्ष क्या होता है 0,0, इसको x1, ठीक, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब इन दोनों की लंब की लंबाई निकाल लो, तो फार्मूला क्या होता है आपके पास, आपको पता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लंब की लंबाई ओपी की, हाँ, और प्लस का हो जाएगा, चलो ओपी लिखो या आप लोग लंब की लंबाई एल से लिख दे रहे हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास x1 की जगह 4a cot स्क्वायर थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 4a cot थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा आपके पास, ये तो जीरो हो गया, चार का वर्ग 16, ए स्क्वायर कॉट की घात 4 थीटा प्लस 4 का वर्ग 16 ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपके पास 16 ए स्क्वायर हो गया कॉमन, तो ये बचा कॉट की घात 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 16 बाहर निकल सकता है, ये तो 4 ए के रूप में ये निकला बाहर, ये बचा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं कॉट की घात 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि 4 ए कॉट स्क्वायर थीटा ले लेते कॉमन, तो बचेगा कॉट स्क्वायर, तो ले लेते 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, इसको बाहर निकालो तो 4 ए कॉट थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर है इसलिए हम लोग बाहर लिखेंगे कॉसेक थीटा। इसको यही करो या साइन कॉस में चेंज कर लो, एक तो इसको यही आंसर कर सकते हैं हम लोग, इसको यही आंसर कर सकते हैं, और साइन कॉस के रूप में अगर चेंज करना चाहो ना तो उसके रूप में चेंज कर दो, 4 ए को 4 ए लिखो इंटू कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये होता है 1 बटे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 4 ए कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक ये भी क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पांचवा नंबर, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु था बिंदु 5.2 से होकर जाता है y अक्ष के सापेक्ष सममित है। देखो बिंदु हमारे पास क्या दिया गया है, बिंदु क्या दिया गया है, बिंदु 5.2, बिंदु 5.2 ये हो गया x, ये हो गया y। इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा है पांचवा नंबर तो है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, जो बिंदु इतने y अक्ष के सममित है, y अक्ष के सममित है, और शीर्ष तो हमेशा परवलय का होता ही है 0.0, और वाई अक्ष पर सममित है। इन्होंने ये कहा किस पर सममित है, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष के लिए परवलय क्या होता है, परवलय होता है x स्क्वायर बराबर 4ay, a का मान निकाल लो ना, x की जगह 5 का वर्ग 4a और y की जगह 2, तो 5 का वर्ग 25 और 4 दुनी 8 बटे 8 ये हो गया a, तो a का मान क्या आ गया 25 बटे 8, a का मान क्या आ गया 25 बटे 8, ठीक। अब a का मान इसको डाल दो समीकरण है एक, इसको समीकरण एक में रख दो, तो x स्क्वायर बराबर 4 इंटू ये हो गया ए का मान 25 बटे 8 और इंटू वाई 4 दूनी 8 ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 25y, चाहो तो इसको पक्षांतर कर दो, ना चाहो तो ऐसे छोड़ दो, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 25y। क्वेश्चन नंबर कौन था, 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, 6 के ए पार्ट में क्या कह रहा है कि उस परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x, ठीक वाई स्क्वायर बराबर 8x पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि दूरियां 4 है, जिसकी नाभि दूरियां 4 है, तो नाभि दूरियां 4, नाभि दूरी जो है ये 4 है, और दूरी बराबर फार्मूला आप लोग जानते हो, दूरी बराबर फार्मूला आप लोग जानते हो, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर ये 4 आपके पास दिया ही गया है। यहाँ से a का मान निकाल लो, इसको हो जाएगा, इसको कर सकते हो 4 इंटू 2 इंटू x, a बराबर आपके पास कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, तो a बराबर 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस b का मान नहीं है बराबर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पक्षों भर कर लिए हमने अंडर रूट कैंसिल करने के लिए, इसको होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16, ठीक। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस
चार माइनस चार एक्स इस वाई स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 8x। देखो तो यहाँ पे प्लस का 8x माइनस 16 बराबर जीरो, इसको उठा के इधर पछांतर करके ले आए तो x स्क्वायर ये दोनों घटका हो गया माइनस चार एक्स और ये दोनों घटका हो गया माइनस 12 बराबर जीरो। अब इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर आपके पास कितना है 4 आ जाए। तो x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x 6x और प्लस 2x माइनस 12 बराबर जीरो, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में x कॉमन तो x माइनस 6 बचा प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 6 बचा बराबर जीरो। एक कोष्टक में x माइनस 6 और एक कोष्टक में x प्लस 2 बराबर जीरो। आपको पता है कि x का मान 6 और 2 निकलेगा, x का मान क्या निकलेगा 6 और 2 बिंदु हमसे पूछा गया था। तो एक काम करो इसको डाल दो समीकरण एक और इसको समीकरण एक में रख दो, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। वाई स्क्वायर बराबर देखो अगर दो रखोगे तो 8 दूनी 16 तो वाई का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4, तो वाई का मान आ जाएगा प्लस माइनस का 4। अगर ये रखोगे तो 8 6 48 तो 48 का एलसीएम अगर लेंगे हम लोग तो 2 दूनी 4 24 और 2 12 24 4 3 12 यानी ये हो गया 2 का वर्ग और ये 2 का वर्ग तो 4 4 अंडर 3 4 अंडर 3। ठीक तो अब ध्यान देना बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु अगर 2 रखेंगे तो प्लस माइनस का 4 आएगा, अगर बिंदु हम लोग 6 रखेंगे तो प्लस माइनस का 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक 6 का एक आंसर, 6 का बी पार्ट भी है क्या? बी पार्ट है तो हमारे ख्याल से शायद आप लोग बी पार्ट लगा लोगे, बी पार्ट सेम है। देखो बी पार्ट लगा लोगे ना, बी पार्ट हाँ बी पार्ट सेम है लगा लोगे आप लोग। सातवां नंबर में ये कह रहा है कि परवलय बॉय प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी बॉय प्लस 3 का होल स्क्वायर, बॉय प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 x प्लस 2 2x प्लस 2। ठीक कि शीर्ष तथा नाभि ज्ञात कीजिए, शीर्ष भी ज्ञात करना है हमें और नाभि भी ज्ञात करना है। सबसे पहले काम कर लो, मान लो माना x बराबर हमने नहीं x नहीं y बराबर हमने मान लिया y प्लस 3 और x बराबर हमने मान लिया है x प्लस 2, तब ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 2x। देखो y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax का रूप आ गया। ठीक किसका रूप आ गया, y स्क्वायर बराबर 4ax का रूप आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि y स्क्वायर बराबर 4ax, इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे 4 बनाने के लिए इसको 2 का गुणा भाग करेंगे, कैसे करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 × 2x/2, इससे ये कैंसिल 2x बचेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x/2, मतलब y स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 4x/2। अर्थात आप लोग कहोगे यहाँ पर 4 × 1/2x अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा 1/2, a बराबर क्या आ जाएगा 1/2। ये आपके पास नाभि है, ये क्या है नाभि। अब इसमें अगर क्या क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें पूछ रहा है शीर्ष तथा नाभि ज्ञात कीजिए, तो नाभि क्या आ गया, देखो नाभि वैसे यहाँ पर मान रख सकते रखेंगे हम लोग, तो पहले नाभि हम लोग देख लेते हैं, नाभि क्या होता है 1, 0 तो 1/2, 0। अब यहाँ पर y बराबर क्या है y प्लस 3, x बराबर क्या है x प्लस 2, हमसे क्या क्या पूछ रहा है नाभि पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर ये होता है हमारे पास x, ये होता है हमारे पास y, समझना। तो यहाँ पर y का मान क्या है 0, y का मान 0 बराबर y प्लस 3, 3 को उठाकर दो पछांतर करो माइनस में हो जाएगा तो y बराबर माइनस 3, x का मान 1/2 तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 1/2 बराबर x, x प्लस 2 इसको इधर पर छांतर करो तो ये आ जाएगा x बराबर 1/2 माइनस 2, 2 दूनी 4 से 1 घटाओ तो माइनस 3/2, तो x के मान को
पहले लिखते हैं वाई के मान को, बाद में लिखते हैं, शीर्ष क्या आ जाएगा माइनस तीन बटे दो कॉमा माइनस तीन, ये आ जाएगा शीर्ष और यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो पार्ट वन में तो कितने क्वेश्चन कर दिए, पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 तक सॉल्व हो गया। अब मिलते हैं पार्ट टू में, तब तक जय हिंद जय भारत। अब मिलते रहे अब लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 से लगभग पूरा खत्म करेंगे। टेक स्क्रीनशॉट।